बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर चोरी की जेसीबी मशीन के साथ पुलिस ने चार साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की जेसीबी मशीन और फर्जी आरसी बरामद की है। पीड़ित इकबाल ने 4 जुलाई को अपनी जेसीबी मशीन अपने दोस्त राहुल, जो कि नजीबाबाद थाना क्षेत्र रनपुर के रहने वाले हैं, राहुल के फार्म हाउस से अज्ञात चोरों द्वारा जेसीबी मशीन को चुराया गया था। जेसीबी मशीन मालिक इकबाल ने 5 जुलाई को थाने में चोरी की तहरीर दी थी। जेसीबी मशीन चोरी का खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि चोरी की जेसीबी मशीन को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है और इस चोरी की घटना में पुलिस ने जुबैर, आमिर, सोनू और अरमान को गिरफ्तार किया है, जबकि इस चोरी में शामिल इनका साथी दीपक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि फरार आरोपी दीपक ने नहर पटरी के किनारे संतो फार्म हाउस से अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेसीबी चोरी की थी। सभी चोरों द्वारा जेसीबी मशीनों को छुपते छुपाते हुए महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को 5 लाख में बेच दी थी। चोरी की जेसीबी मशीन को पुलिस ने बरामद करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी अभी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी की जेसीबी मशीन के कागजातों को बदलकर जेसीबी मशीन को बेचा गया था। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस में एक जेसीबी चोरी का मुकदमा इकबाल खान ने लिखाया था। इनकी जुलाई 19 में जेसीबी चोरी हुई थी। काफ़ी तलाश किया गया है। तलाश करते करते स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम ने अमरोहा में इसे बरामद किया। घटनाक्रम यह है कि 3 चोरों ने इसे चुराया। एक दूसरी जेसीबी का कागज जो उत्तराखंड का है उसके साथ इसको अटैच किया और करीब 5 लाख रुपए में अमरोहा के एक व्यक्ति को भेजा दिया और उस व्यक्ति को भी जानकारी थी कि चोरी की जेसीबी है, इसीलिए 35-40 लाख की जेसीबी 5 लाख के लगभग उन्होंने खरीदा और चला रहे थे। पेपर बदल दिया था, हेर फेर किया था, तो मुखबिरी से जेसीबी बरामद हुई। जिसने खरीदा था वो पकड़े गए, जिसने चुराया था उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। 4 लोगों की गिरफ्तारी है, एक अभी दीपक, इसकी गिरफ्तारी शेष है।